नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, खबर यूपी से है। जी हां, यूपी में अयोध्या में सरयू नदी के अंदर एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए हैं, जिस पर जो है रेस्क्यू जारी है। और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ जी, उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये आगरा की एक फैमिली जो है वो यहाँ पे आई हुई थी। कुल मिला के उस फैमिली में 15 लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे गुफ्तार घाट पे वो यहाँ पे टहल रहे थे, जिस वक्त उसमें से कुछ महिलाएं नहाने या हाथ पैर धोने के लिए नीचे पानी में उतरी। उसमें से कुछ महिलाओं के अचानक से डूबने जैसी स्थिति हुई, तो उसमें पूरी फैमिली जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत वहाँ पे घूम पड़ी। तो उसमें जो है उस वक्त हमारे जो लोकल वहाँ पे ड्राइवर वगैरह रहते हैं, मनी भैया थोड़ा सा वहाँ पे बचाया, और 12 लोग जो है वो आपके बैठे। उन 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को उनका रेस्क्यू कर लिया गया, लाइव रेस्क्यू कर लिया गया। चारों तरफ जो है इसमें फ्लड पीएससी की टीम, पुलिस की टीम, और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपने नावों के माध्यम से, और काटा लगा के ढूंढ रहे हैं। अब तक 4 लोगों को इन्होंने जिंदा उसमें रेस्क्यू किया है, और बाकी लोगों पर भी जो है कार्रवाई चल रही है। कोशिश है अधिक से अधिक लोगों को इसमें जिंदा रहे। सर जो अभी भी 4 तो सुरक्षित थे, एक का अभी नहीं पता चल रहा था, अनकंशियस थे, तो उनको अस्पताल ले। सर बच्चे और महिलाओं की क्या संख्या थी, या कुछ बताया जा सकता है? ये अभी पूरा डिटेल जो है, क्योंकि कुछ नेम्स तो हम लोगों ने सभी के कलेक्ट किए हैं, अब उसमें एक्चुअल जो है उनके फैमिली से भी वेरीफाई करना पड़ेगा। उनके फैमिली के लोग जो है थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज है, ट्रॉमा में है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कंफर्म करके ही देना उचित रहेगा। वो बिना कंफर्म किए देना, तो मैं संख्या आपको बता सकता हूँ जो कि उनके परिवार से। कितने बजे की घटना है ये? रफली मैं समझता हूँ 12 बजे के आसपास की।